प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना के पात्र लोगों के लिए अच्छी खबर है। कोविड की वजह से हिम केयर योजना के कार्ड का नवीनीकरण अब साल भर होगा। पूर्व में साल में कुछ समय के लिए ही नवीनीकरण का मौका लोगों को मिलता था। अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय से लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत चुनिंदा अस्पतालों में 5 लाख तक निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। योजना की शर्त के मुताबिक जो परिवार आयुष्मान भारत में कवर नहीं है वे इस योजना के तहत पात्र हैं। जानकारी के मुताबिक बीपीएल, रेड़ी फेड़ी वाले या मनरेगा के मजदूरों को ये योजना निःशुल्क है। 40% से अधिक विकलांगता व्यक्ति या 70% से अधिक आयु या वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आउटसोर्स कर्मचारी, मिड डे मील वर्कर, अंशकालीन कर्मचारी, दिहाड़ीदार, आशा वर्कर और अनुबंध कर्मचारियों के लिए 365 रुपये का शुल्क तय किया गया है। अन्य परिवारों के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा सकता है या नजदीकी लोक मित्र केंद्र में 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर कार्ड बनवाया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर के अग्निहोत्री ने बताया कि कोविड की वजह से प्रदेश में पहले ये कम मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि कोविड की वजह से प्रदेश के लोगों को अब राहत प्रदान की गई है। अब लोग साल भर हिम केयर योजना के तहत कार्ड का नवीनीकरण करवा सकते हैं। इसके साथ ही लोगों को नए कार्ड बनाने की सुविधा पूर्व की भांति जनवरी से मार्च माह तक मिलेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि साल 2018 में प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। हमीरपुर जिला में अभी तक 66,133 लोगों के कार्ड इस योजना के तहत बनाए जा चुके हैं और 29,88,11,904 का क्लेम रेज किया गया था। इसके अलावा 5,94,11,078 रुपये रीएम्बर्समेंट के तौर पर भी मिल चुके हैं। जी, ये प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोविड के मद्देनजर कुछ लोग जब वो रिन्यूअल नहीं करा सकते, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, इसलिए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पूरा साल रिन्यूअल होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और नए कार्ड जैसे कि आपको पता है जनवरी से लेकर मार्च तक बनते हैं वैसे ही बनते रहेंगे। एक बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें करोड़ों रुपये लोगों को रिम्बर्स के माध्यम से और या ट्रीटमेंट के माध्यम से उन तक पहुँचाया गया है। तो यही हम सूचना देना चाहते हैं कि पूरा साल जो है रिन्यूअल हिम केयर कार्ड का होता रहे। ऐसे देखिए 2018 से ये स्कीम चली है, 2018 में 12,156 लोग आए, फिर 24,846 लोग आए, 18,680 आए 2021 में, और अब तक हमारे पास 66,133 कार्ड बन चुके हैं। और इस कार्डों का जो हमने क्लेम रेज किया, क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट है, आपको कार्ड दिखाना होता है और ट्रीटमेंट मिलती है, तो उसमें 29,88,11,904 रुपये के क्लेम रेज किए हैं, और जो हमें रिम्बर्स हो के आता है वो 5,94,11,078 रुपये वापिस विभाग को आ चुके हैं। ये कार्ड आपको जैसे पता है कि हमारे 6 जो CSC है वहाँ चलते हैं, 2 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं और इसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, 4 वो भी हैं, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड ये चलता है। इसके अलावा PGI में भी, कई लोगों को पता नहीं है कि PGI में भी हमारा हिम केयर जो कार्ड वो वहाँ भी चलता है, वहाँ भी कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो उन लोगों को मिलती है।